दोस्तों, अगर आप भी ऋतुराज गायकवाड़ और ग्लेन मैक्सवेल को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मैक्सवेल के तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया अंत में तीसरा T20 मैच जीतने में कामयाब हो गया और ये एक हकीकत है। और असली सच्चाई तो ये है कि अंपायर की गलती या ये कहें कि बेईमानी की वजह से ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीतने में कामयाब हो पाया। तो आखिरकार कैसे? एक बार फिर से अंपायर ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलीभगत करके भारत को जानबूझकर हरवा दिया और नो बॉल देकर टीम इंडिया की हार की कहानी लिख दी। कैसे भारतीय टीम की आंखों में झोंकी गई धूल, बेईमानी के सबूत के साथ सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि कौन था भारत की हार का सबसे बड़ा विलन, मैक्सवेल, एम्पायर या फिर सूर्या? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, 2-0 से सीरीज में आगे चल रही टीम इंडिया को गुवाहाटी के मैदान पर 440 वोल्ट का झटका लगा। विश्व कप चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने अपना असली रंग दिखाते हुए हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हालांकि ये जीत ऑस्ट्रेलिया को इतनी आसानी से नहीं मिली है। 19 ओवरों तक भारत ही मुकाबले में आगे चल रहा था। ऑस्ट्रेलिया को आखिरी 2 ओवरों में 43 रनों की जरूरत थी। आखिर दुनिया में कौन सी टीम है जो इतने बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकती है? और हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने उसे हासिल कर लिया। 19वें ओवर में अक्षर पटेल की जमकर धुनाई करते हुए मैक्सवेल और मैथ्यू वेड ने कुल मिलाकर 22 रन बटोरे, तो आखिरी ओवर में 21 रन जोड़कर उन्होंने अपनी टीम की जीत की दास्तान लिख दी। लेकिन ये तो केवल आंखों से दिखने वाली सच्चाई है, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है, जो पर्दे के पीछे से भारत के हाल यानी कि दर्द दास्तान को बयां करती है और बेईमानी, ऑस्ट्रेलिया की काली करतूत, ये सारी चीजें सामने लाती है। दरअसल इस मुकाबले में टीम इंडिया के साथ बेईमानी हुई है और जानबूझकर एम्पायर ने हमें हरवाया है। इसके सभी सबूत भी अब निकलकर सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि मुकाबला रोमांचक हो चुका था। आखिरी 2 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 43 रन चाहिए थे। इसी दरमियान 19वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल की चौथी गेंद पर मैथ्यू वेड पूरी तरीके से चकमा खा जाते हैं और गेंद को कलेक्ट करने के बाद ईशान किशन ने मैथ्यू वेड को स्टंप किया, विकेट की अपील भी की। उन्होंने आपको बता दें कि सारी वो चीजें की जो वो कर सकते थे, लेकिन ऐसा करके उन्होंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि उसे बार बार रिव्यू में देखने के बाद थर्ड एम्पायर ने कहा कि ईशान किशन ने गेंद को विकेट के आगे कलेक्ट किया था और नियमों का उल्लंघन किया है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बस फिर क्या था, ये नो बॉल हो गई और न केवल बल्लेबाज नॉट आउट दिया गया बल्कि ऑस्ट्रेलिया को फ्री हिट भी मिल गई और वेड ने फ्री हिट पर छक्का मारकर इसके बाद तो पूरा का पूरा मैच पलट दिया। ईशान किशन से लेकर सूर्या और हजारों फैंस का गुस्सा देखने लायक था, क्योंकि साफ साफ दिख रहा था कि किशन ने सही तरीके से गेंद को पकड़ा है और फिर बल्लेबाज को स्टंप आउट किया है। लेकिन अंपायर ने बेनिफिट ऑफ डाउट बल्लेबाज को दे दिया और भारतीय टीम के हक में फैसला नहीं दिया। उसी का नतीजा ये था कि भारतीय टीम अंत में मैच हार गई और एक बार फिर से बेईमानी के चलते ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ईशान किशन ने सही तरीके से गेंद को पकड़ा था या फिर नहीं, वो नो बॉल थी या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसके बाद तो पूरा हिंदुस्तान उदास है। यहां तक कि गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने कह दिया कि ऐसी हार देखकर दुख होता है कि हमने 222 रन बनाए थे, आसानी से ये लक्ष्य डिफेंड होना चाहिए था। इन खिलाड़ियों में काबिलियत थी, लेकिन कहीं ना कहीं सूर्या में कैप्टेंसी स्किल्स और एक्सपीरियंस की कमी है। मैं दावे से कह सकता हूं कि यदि यहां पर विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा जैसे कप्तान होते तो भारतीय टीम 50 या 60 रनों के बड़े अंतर से मैच जीत सकती थी। सूर्या मैक्सवेल को आउट करने का तरीका नहीं खोज पाए, यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। आज सभी को पता चला कि कोहली और रोहित की असली वैल्यू क्या है। तो वहीं पे गौतम गंभीर ने भी सूर्या को लताड़ लगाते हुए कहा, ये तो केवल सूर्य का एक छोटा सा टेस्ट था और वो उसमें फेल हो गए। मैं मानता हूं कि पिछले 2 मैचों में भारत जीता है, लेकिन हर एक मैच इंपॉर्टेंट होता है। आपने 222 रन बना लिए थे, उनके बड़े बड़े विकेट चटका लिए थे, ऐसे में आप इतना क्लोज मैच कैसे हार सकते हैं? इसमें पूरी गलती सूर्या और उनके टेम्परामेंट की है। उन्हें पता ही नहीं था कि कैसे गेंदबाजों का इस्तेमाल करना चाहिए। यहीं पर वो मात खा गए और मैक्सवेल ने हमसे मैच छीन लिया। यहां तक कि युवराज सिंह का मानना है कि ऐसी हार देखकर दिल टूट जाता है। एक बार फिर से मैक्सवेल ने दिखाया कि क्यों वो इतने खतरनाक खिलाड़ी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भारत को ये मैच जीतना चाहिए था। हमसे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती हुई है, हमने अपने हाथों से मैच जाने दिया। आज मुझे रोहित शर्मा की बहुत याद आई, यदि वो इस मुकाम पर होते तो भारत को कभी हारने नहीं देते, ये बात मैं लिख कर देने को तैयार हूँ। तो वहीं पर वीरेंद्र सहवाग ने भी कुछ ऐसा कहा जो सुनकर सब हैरान है। उन्होंने कहा, सूर्या आप क्या कर रहे हैं, ये मुकाबला टीम इंडिया जीत गई थी, हमने तो जश्न मनाना भी शुरू कर दिया था, आखिरी 2 ओवर में 43 रन,
इतने ज्यादा रन भारतीय गेंदबाजों से डिफेंड नहीं हो पाए। और 19वें ओवर में अक्षर पटेल वो स्पिनर हैं, उन्हें गेंदबाजी देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। सूर्या ने अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया, वो कैलकुलेशन नहीं कर पाए और इसका नतीजा था कि भारत मैच हार गया। और इसकी सबसे बड़ी गलती सूर्य कुमार की कैप्टेंसी है। जी हाँ दोस्तों, सभी ने सूर्या को जिम्मेदार ठहराया। वहीं धोनी ने बताया, इस मुकाबले में एक नहीं बल्कि कई बड़ी गलतियां हुई हैं। पहले तो सूर्या के पास कैप्टेंसी का एक्सपीरियंस नहीं है। वहीं उनकी दूसरी गलती थी 19 ओवर में अक्षर को गेंदबाजी देना। ये कोई मतलब ही नहीं बनता है। मैदान में ओस आ रही थी, मैक्सवेल को तो बल्ला चलाना ही था, वहीं पर आप मुकाबला हार गए। तीसरी बात, सूर्या में कप्तानी स्किल्स की कमी है। ये बात आज सभी को दिख गई। वो 222 रन का स्कोर डिफेंड नहीं कर पाए और सबसे आखिरी में ये सभी खिलाड़ी अभी युवा हैं तो वो दबाव को झेल नहीं पाए, मैक्सवेल को वो आउट नहीं कर पाए और वहीं पे मैक्सवेल ने भारत के हाथों से ये मैच छीन लिया। तो दोस्तों, सच में सभी भारतीय दिग्गजों ने तो अब सूर्या को खूब लताड़ लगाई है। लेकिन आपको क्या लगता है कि भारत की इस हार का सबसे बड़ा विलन कौन है? सूर्या, अक्षर पटेल, मैक्सवेल या फिर कोई और? कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों, लगातार दो T20 मैच जीतने के बाद तीसरा मुकाबला खेलने टीम इंडिया गुवाहाटी के बारसा पारा क्रिकेट स्टेडियम में पहुंची। मैथ्यू वेन ने टॉस जीतकर पहले टीम इंडिया को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और हर मैच की तरह यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर उतरे। वहीं अपनी टीम के लिए गेंदबाजी करने आए केन रिचर्डसन पहले ही ओवर में 14 रन बटोर लिए और दूसरे मैच की तरह इस मुकाबले में भी दोनों ओपनर टीम के लिए शानदार शुरुआत दी। टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने आए जैसन बेलनडॉप ने यशस्वी जायसवाल को अपनी दूसरी ही गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। टीम इंडिया को बहुत बड़ा झटका लग गया और मैदान पर ईशान किशन आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम इंडिया की अहम जिम्मेदारी थी, लेकिन टीम के लिए तीसरा ओवर एक बार फिर फेंकने आए केन रिचर्डसन ने पहली गेंद पर चौका और 2 रन लेकर टीम इंडिया के खाते में 5 रन डाल दिया। लेकिन अपनी तीसरी ही गेंद पर ईशान किशन के रूप में अपना बड़ा विकेट निकाल लिया। ईशान किशन बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम को 24 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग गया। लेकिन एक तरफ ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर टिके हुए थे और उनका साथ देने के लिए अब खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव आ गए। इनके कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी आ चुकी थी और टीम के लिए पांचवा ओवर फेंकने आया नाथन एलिस की तीसरी गेंद पर अपना पसंदीदा शॉट खेलकर ऐसा छक्का जड़ा जिसे देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक भी हैरान रह गए और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। टीम इंडिया के स्कोर को 5 ओवरों में 39 रनों तक पहुंचा दिया। सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी देखकर ऋतुराज गायकवाड़ ने भी अपने बल्ले का मुंह खोलना शुरू कर दिया। टीम इंडिया के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में केवल 2 विकेट के नुकसान पर 43 रनों तक पहुंचा दिया। सूर्य कुमार यादव का बल्ला तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, बेहद अलग अंदाज में नजर आ रहे थे। टीम इंडिया के स्कोर को 6.5 ओवर में ही सांगा के अंतिम गेंद पर शानदार चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। दोनों खिलाड़ियों का बल्ला जमकर दहाड़ रहा था और पूरी तरह से सेट हो चुके थे। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर टूट कर प्रहार कर रहे थे। सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी देखकर ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और चौके छक्के दोनों ही बल्लेबाज लगाए जा रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 80 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन टीम के लिए 11वां ओवर फेंकने आए आरन हार्डी ने अपनी दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। टीम इंडिया को 81 रनों के स्कोर पर तीसरा झटका लग गया तो इसके बाद मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने के लिए तिलक वर्मा आ गए। ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर टिके हुए थे और धीरे धीरे बल्लेबाजी करते हुए अपने अर्धशतक के करीब पहुंचकर आरन हार्डी की चौथी गेंद पर शानदार चौका जड़कर अपना अर्धशतक ठोक दिया। तिलक वर्मा भी बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, वह भी आते ही 2 शानदार चौके जड़ दिए। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर केवल 23 गेंद में 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर ली। टीम के लिए 15वां ओवर फेंकने आए तनवीर सांगा को ऋतुराज गायकवाड़ ने पहले चौके के साथ स्वागत किया और फिर अगली ही गेंद पर एक शानदार छक्का भी जड़ दिया और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से दोनों बल्लेबाज आगे बढ़ाने लगे। टीम इंडिया के स्कोर को 16.1 ओवर में 150 रनों तक पहुंचा दिया। फिर तो ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। 18वें ओवर में आरन हार्डी की गेंद पर गायकवाड़ ने ऐसा छक्का जड़ा जिसे देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू वेड भी हैरान रह गए। टीम इंडिया के स्कोर को 18 ओवर में 180 रनों तक पहुंचा दिया। साथ ही दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 100 रनों से भी अधिक की पार्टनरशिप पूरी कर ली और अंतिम ओवर फेंकने के लिए ग्लेन मैक्सवेल की पहली गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार छक्का जड़कर अपना शतक पूरा कर लिया। इसके बाद भी अगली गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार शॉट लगाकर एक चौका बटोर लिया, मानो ऋतुराज गायकवाड़ के सर पर खून सवार हो गया हो और इस ओवर में 30 रन ठोकर मैक्सवेल की जमकर कुटाई कर दी। ऑस्ट्रेलिया के सामने 20 ओवर में भारतीय बल्लेबाजों ने 222 रनों का एक बार फिर बाहर जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। भारतीय गेंदबाजों के सामने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का यह स्कोर हासिल करना इतना आसान नहीं होने वाला था। टीम के लिए ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर ट्रेविस हेड के साथ और अनहार्डी बल्लेबाजी करने उतरे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ट्रेविस हेड टीम इंडिया के लिए एक बार फिर मुसीबत बनकर मैदान पर खड़े हो जाएंगे। हेड मैदान पर उतरते ही अपना आक्रामक अंदाज दिखाना एक बार फिर शुरू कर दिया। टीम के लिए पहला ओवर फेंकने आए अर्शदीप सिंह के ओवर में 9 रन बटोर लिए, वहीं दूसरा ओवर फेंकने आए प्रसिद्ध कृष्णा के ओवर में जमकर धुनाई की और 16 रन अपनी टीम के लिए और जोड़ दिए। इसके बाद भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर पूरी तरह से हैरान हो गए। विकेट की तलाश में सूर्य कुमार यादव ने रवि बिश्नोई के हाथों में लम्हा दी, लेकिन रवि बिश्नोई की पहली गेंद पर आरन हार्डी निसंदर चौका जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में 40 रनों तक पहुंचा दिया। सूर्य कुमार यादव विकेट की तलाश में गेंद आवेश खान के हाथों में थमा दी, लेकिन कंगारू बल्लेबाज जिस अंदाज में बल्लेबाजी के नजारा दिखा रहे थे
भारत के गेंदबाजों पर टूट टूट कर प्रहार कर रहे थे। भारतीय गेंदबाजों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से मैदान पर सेट हो चुके थे।